हेलो फ्रेंड्स, मैं मालती। आज मैं आपको टमाटर और प्याज की चटनी बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए हमने सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम कर रहे हैं। दो लोगों के लिए हमें बनानी है, तो जितनी क्वांटिटी हमें लेनी है उतना ही मैं बताऊं, उतना ही आपको यूज़ करना है। हमने इसमें 3 चम्मच तेल लिया है, 3 बड़े चम्मच तेल लिया है। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए हमें चाहिए 4 बड़े टमाटर, 1 बड़ा प्याज, हरी मिर्च 2 कटी हुई, और बाकी इसको बनाना कैसे ये मैं आपको बताती हूँ, तो मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा हमारा भून चुका है। उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे, जो कि हमने इसको लंबा लंबा काटा है। दो मिनट तक इस प्याज को हमको फ्राई करना है। ये देखिए हमारा प्याज फ्राई हो रहा है और हमने इसको गैस को थोड़ा कम कर दिया है। जब हमारा प्याज भून जाता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है, ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो समझ लेना चाहिए कि प्याज भून गया है। उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे, जो कि काटे हुए रखे हुए हैं हमने। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हमने गैस की फ्लेम तेज नहीं करी है, हमारा गैस आप देख रहे हैं धीरे ही है, लेकिन अब हम इसको तेज करेंगे, मीडियम रखेंगे हम इसको। अभी हमने ज़्यादा तेज कर दिया, हम इसको मीडियम रखेंगे। अब इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे काटी हुई, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारे टमाटर गल जाएं। अब हम इसमें नमक डाल रहे हैं, जो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नमक डालने से क्या, टमाटर इसमें जल्दी गल जाएंगे। हमें इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डालना है। आधा चम्मच सूखा धनिया डालना है। 1/2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि इसमें ये चटनी में बहुत अच्छा स्वाद देता है ये। और 1/2 ही चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये देख रहे हैं हमारी चटनी देखने में कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन ये अभी प्रॉपर पकी नहीं है। हम इसे ढकेंगे नहीं, हम इसे खुली ही बनाएंगे। और आप ढकना चाहें तो इसे 2 मिनट के लिए ढक भी सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने इसको ढक दिया है, सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इसे ढकेंगे। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको खोल के देखते हैं। ये देखिए लगभग लगभग ये हमारी चटनी पूरी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको सर्विंग बॉल में सर्व करेंगे।
थैंक यू फ्रेंड्स, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए। बाय बाय।